नमस्कार, मैं हूं मुस्कान असमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। भारत के शीर्ष सेना अधिकारियों से मिले बांग्लादेश के सेना प्रमुख, आपसी संबंधों की मजबूती पर जोर। नई इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय के निर्माण का रास्ता साफ, पेड़ों को हटाने के प्रस्ताव को लेकर दिल्ली सरकार की मंजूरी। असम में अब कोई आदिवासी उग्रवादी समूह नहीं, डीएनएलए समझौते पर बोले अमित शाह। कांग्रेस का कर्नाटक में महिलाओं को मुफ्त सफर का वादा, राहुल बोले मछुआरों के लिए 10 लाख का बीमा होगा। मणिपुर में सीएमएन वीरेन के दौरे से पहले कार्यक्रम स्थल पर लोगों ने की तोड़फोड़ और आगजनी। अररिया में रॉयल फर्नीचर में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। बीजेपी विधायक ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, अतीक अशरफ को समाजवादी पार्टी ने मरवाया है का बयान दिया। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के मामले में अगली तारीख 6 मई एमपीएमएलए कोर्ट में, गैंगस्टर एक्ट में आना है फैसला। हरदोई में आवास के नाम पर ग्राम रोजगार सेवक ने मांगा रिश्वत, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। कानपुर में सड़क पर पड़ी गई ईद की नमाज, 2000 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। तीसरी बार पकड़ी गई बाइडेन की चोरी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल पहले ही मालूम थे, पर्ची में जवाब लिखकर लाए कैमरे में कैद हो गए। किंग चार्ल्स की ताजपोशी में तैनात 6000 सैनिक युद्ध पोतों से दी जाएगी सलामी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एयरक्राफ्ट फ्लाइंग पास्ट में शामिल होगा। चीन में नौकरी पाने के लिए मंदिर जा रहे युवा, एक साल में 310% ज्यादा लोग पहुंचे मंदिर, कोरोना के बाद 1.16 करोड़ ग्रेजुएट बेरोजगार। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बड़ी हिंसा, मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन सिस्टम करने जा रहा बड़ा बदलाव, लाखों भारतीयों को सीधा पहुंच सकता है फायदा। चेन्नई को हराकर टॉप पर पहुंचा राजस्थान, जयपुर में 32 रन से जीता मुकाबला, स्पिनर्स को 5 विकेट। युवी के पिता का अर्जुन तेंदुलकर को गुरु मंत्र बोले, जिस दिन कान के पास से गेंदबाजी करेगा। शिवम दुबे के गलत थ्रो पर भड़के धोनी, जायसवाल ने गायकवाड़ की मदद की, चहल ने छोड़ा आसान कैच। फखर जमान के शतक से जीता पाकिस्तान, न्यूजीलैंड को पहला वनडे 5 विकेट से हराया, मिचेल की सेंचुरी। एशियन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची सिंधु, एचएस प्रणय और सात्विक चिराग ने भी अगले राउंड में जगह बनाई। पोनियन सेल्वन 2 की हुई धमाकेदार ओपनिंग, सोशल मीडिया पर जमकर हो रही तारीफ। पुष्पटू के सेट पर स्पॉट हुए जूनियर एनटीआर, समांथा के ट्रीटमेंट की फोटो हो गई वायरल। फिर बुरे फंसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अब बंगाली समुदाय की भावनाओं को आहत करने का लगा आरोप। सलमान खान से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, बोली जिया खान की मां, मेरी बच्ची की मौत का सच सामने आने दो।
68वें फिल्म फेयर अवार्ड में छाई रही गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस। पांच मिनट की 25 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो।